करूंगा तेरा लाख लाख शुक्र। आज 20 साल बाद रणवीर के बालक होने वाले। मैंने हमने ना देखो नहीं देखो इतना गए हो अभी अम्मा राम 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 लक्ष्मी आई है लड्डू बड्डू खवा दो अब तो बेटा लड्डू खवा दो पप्पू गए हमारे रणवीर देखा बेटा गई ना अम्मा हमने ना देखो रणवीर बेटा आएगा तू बेटा ऐसे नाके देख रहे बहुत है मिलने जाके जा ठीक है मैं जा रहा हूँ जा सुनो जी मुझे तोते कोई बात ना करनी है या मैं मेरा को कसूर है तो तुम मुझे नाराज है रहे हो ऐसा ना तेने लाल जल्दी हो चल आराम और लाचार क्यों होता है
बोला हूँ कि हमसे डैडी ना कहा करो। जब आप डैडी बोलते हो तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम डेड बॉडी हो गया हूँ। क्या बात करते हो डैडी, पढ़ा लिखा लड़का लड़की अपने पापा को डैडी बोलते हैं। डैडी आप भी तो हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। हिंदी काहे नहीं बोलेंगे भाई, 15 साल से विधायक हूँ और ससुरा तुमको कितना पढ़ा लिखा कोशिश किया हूँ मैं, पर तुम लोग पढ़ नहीं पाए। अगर पढ़ लिख जाते तो सारा राजनीति में कुछ चमक आ जाती, पर तुम तो बुड़बक्के बुड़बक्के। क्या बात करते हो डैडी, आजकल तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मंत्री बन जाता है। वो कहा है कि अब की बार हम भी सोचा हूँ कि एमपी का चुनाव लड़ डालू, क्या समझे? ये तो बहुत ही बढ़िया विचार हुआ कि जनता बड़ी भोली हुआ, वोट आपको ही देवेगी। वो कहा है कि जिसके डंडे में जोर होता है जीत उसी का होता है। बिल्कुल ठीक बात, ये जनता तो पैसे और दारू की भूखी होत है अंकल, जो सारा पैसे से नहीं मारेगा तो गोली से मारेगा। ये बात तो ठीक हुआ, पर सावधानी भी जरूरी हुआ, क्या समझे? Thank you.
नहीं करते? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दिनों से तुम्हारे पापा बहुत परेशान से रहने लगे हैं, बस इसलिए। मम्मी पर भैया से तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत लड़ लड़ाते हैं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, वो तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। मम्मी मैं सब जानती हूँ, आप मुझसे बात छुपा रही हो। मैं लड़की हूँ ना, पापा मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते। भैया लड़का है ना, इसलिए भैया से ज्यादा प्यार करते हैं। तुझे कुछ नहीं पता, जो मन में आता है सो बोल देती है। मम्मी मैं सब समझती हूँ। मम्मी इस समाज में हम लड़कियों को हीन भावनाओं से क्यों देखा जाता है? हम लड़कियां, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्यों समाज में हमें प्यार और सम्मान नहीं मिलता? क्यों हमें बात बात पर आया धन समझा जाता है? मम्मी जवाब दो, ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब है? हमारी इच्छाओं का, हमारी भावनाओं का, हमारी प्रेरणा का है कोई तुम्हारे पास जवाब? बोलो मम्मी, है कोई जवाब? मैं क्या करूं, माला को कैसे समझाऊं? अरे नंदा, क्या बात है, क्यों रो रही है? माँ ने कुछ कह दिया क्या? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे तो केवल आपकी वजह से ही सब कुछ सुनना पड़ता है। आज माला ने मुझसे पूछ ही लिया। अरे माला ने क्या पूछ लिया, वो तो ऐसे रो रही है, बता भी दे। मुझसे पूछ रही थी कि आप पापा भाई को प्यार क्यों करते हैं ज्यादा, वो मुझे प्यार क्यों नहीं करते? मैं उसे क्या जवाब दूं? और वो कह रही थी कि मैं लड़की हूँ, इसलिए पापा मुझसे प्यार नहीं करते। बताओ मैं उसे क्या जवाब दूं? अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, समझती है हर बातों को। मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसकी बातों का। भाइयों और भाइयों, अरे बुड़बक, भाइयों भाइयों ना होते, भाइयों बहन होते है। आज मंत्री जी आप लोगों से और पत्रकार बंधुओं से कुछ बात करना चाहते हैं, समझे हो के नहीं या समझाएं? आप सब लोगों का हमरा राम राम, राम राम। आप सब लोगों का ये प्यार देखकर अब की बार मैं ये सोचा हूँ कि एमपी का चुनाव भी लड़ डालूं। जब हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ बा तो मुझे चिंता की कोनो बात नहीं। हर बार की तरह जनता इस बार भी वोट मुझी को देगी। नेता जी, आपके क्षेत्र में लूटपाट की घटनाएं काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये कोनो समस्या नहीं, बल्कि इससे ही पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में रुपया पैसा की कोनो कमी नहीं, और जो लोग लूटपाट कर रहे हैं उनको भी जो मेहनत का फल मिलना चाहिए कि नहीं? नेता जी, आपके क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अबे यार, आप सुनते बहुत हो, ये सब छेड़खानी नहीं, ये सब प्रेम प्यार बा, जवानी की भूल बा। ये सब लोग जवानी में ये काम ना करी हैं तो कब करी हैं? नेताजी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि जनता आपको ही वोट देगी? कैसन बात कर रहे हैं पत्रकार बाबू, आप लोग कहावत नहीं सुनी यहाँ का, जिसकी लाठी उसी की भैंस? इनका तो हमारे ही साथ रहना है, और ये लोगन साहब पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करता। नेताजी, आप अपने क्षेत्र में विकास की नई योजना क्या लाएंगे? आप क्या कहना चाहते हो जी, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है? अरे हमारा शानदार कोठी है, हवेली है, नौकर चाकर वहा खलियान बा, आप तो विकास नजर नहीं आ रहा है? जो ही मुंह माता कह देते हैं। नेताजी, आपकी क्षेत्र की सड़कों में गड्ढे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? घर सही सलामत पहुंचना है कि नहीं? अरे कहाँ बुड़बक जैसी बातें करते हो, दिमाग का तहीना जमा भाई, सड़क पर बैठ कर दावत खाओगे?
अरे मंत्री ये भी ना बात। नेताजी सुना है रात में आपका इलाका सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे रात में सफर करना मौत को दावत देना है। बिल्कुल सही सुने बुआ, आप लोगों का भी लौटने का समय हो गया है, समय से अपने अपने घर जाओ, ऐसा ना हो देर हो जाए। दरोगा जी आप भी कुछ कहना चाहोगे? जीती रहे। आओ बीबी अंदर चल। चल। माला, बेटा आपकी फीस का क्या हुआ? बेटा पैसे कहाँ से हैं आपके पास? देखो। मैं अपनी किताबें भेज दी। मैं अपनी मम्मी के सपना पूरा करना। आप सब बच्चे मतलब कितना प्यार करते हो आपस में, लेकिन ये बात हम बड़े लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? किसकी प्रॉब्लम है और सारे बच्चे थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठा कर रहे हो, कितनी मतलब प्यार और एकता है, लेकिन ये बात हमारे समाज में बड़े लोग नहीं समझते। आप
टेंशन मत लो, मैं आज ही प्रिंसिपल मैम से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है? अरे ज्योति क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, पता है कल मैं स्कूल नहीं आऊंगी, मेरी क्लास देख लेना। क्यों, कहाँ जा रही हूँ? कल मैं वहाँ जा रही हूँ, जीके का बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, 11,000 रुपए इनाम है। 11,000? इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा? इसका फॉर्म, एक फॉर्म तो मेरे पास भी रखा है, देना। ये मुझे दे दो तुम। ठीक है रख लो। तेरी लौंडिया ले जा, यहाँ रही तो तेरे पास रही तो एक ही बात है। दीदी सोच समझ कर बोला करिए, बालक भी कोई ऐसी चीज है कि काली दे दो, ये भी कोई खिलौना है, कोई भी ले जाए, कोई भी खेल ले। 9 महीना पेट में ला दिए मैंने, दुख उठाए मैंने, ऐसा ना है जो कुछ 10-20 बालक खेल रहे हो, मुँह पे दो बालक भारी न पड़ रहे। चुप बैठी रहे, ज्यादा गाल बजा रही है, मुझे कहने पूछिए। जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, तो पूछूंगा मैं, हमारी डिग रही तो, दीदी की डिग रही तो, एक ही बात है, मान लीजिए बेटी वाली। तिनका जोड़ बनाया छोटा सा शिया, और कहाँ से आ गई है दूरियां दरमियां। तिनका तिनका जोड़ बनाया छोटा सा शिया, और कहाँ से आ गई है दूरियां दरमियां। जाति बहारे देख रहा है घर का ये गुलशन, गम के पतझड़ से टूटे हैं पत्ते जार जार, रिश्तों का संसार, 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 रिश्तों का संसार। ए हे ए हे ए हे ओ। हवा चली है गम के बादल छाए, खुशियाँ सारे धूमिल हो गई है, समय का पहिया जाने किस दिशा में घूमा, हर घड़ी मुश्किल हो गई। थमती थमती सांसें टूटे सपने, पथराए आंखें देखें राहें बार बार, रिश्तों का संसार, 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 रिश्तों का संसार। ए हे ए
बेटी को पराधीन समझता था, लेकिन लाला तो मेरे दिल की धड़कन है। भगवान का लाख लाख शुक्र है तो तुम्हें बेटी के प्यार का एहसास हो गया। सुनो जी, लड़कियों को भी हक है इस समाज में सम्मान पाने का, हक से जीने का। और हाँ, आज मेरे पति रणवीर बदले हैं, कल आप भी बदलेंगे और परसों पूरा देश बदलेगा। हाँ नंदा, तुम ठीक कह रही हो। धर्म सिंह चौहान, तुम अपनी गुंडागर्दी बंद करोगे या नहीं? कब तक कानून से खिलवाड़ करते रहोगे? आइए डीएसपी साहब, आइए। आज कैसे आना हुआ? और बताइए क्या लेंगे आप? ये बातें तो होती रहेंगी। विधायक जी, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ। तो डीएसपी साहब, फिर आपकी क्या सेवा की जाए? सेवा? हाँ हाँ, अरे आपकी मिठाई आपके घर पहुँच जाएगी। खाओ पियो, मौज करो, क्या टेंशन लेते हो। धर्म सिंह, आपको पता है किससे बात कर रहे हो? मेरा नाम दिगंबर राठौर है, डीएसपी दिगंबर राठौर। पूरा पुलिस विभाग मेरी ईमानदारी की कसम खाता है और तुम मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो? अरे डीएसपी, तो का क्या चाहिए? तो का एसपी बनना है क्या? तो का पलक झपकते ही एसपी बना देंगे हम, क्या समझे? धर्म सिंह, अब ये तुम्हारी गुंडागर्दी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तुम्हारे पाप का घड़ा तो भर चुका है। अरे दरोगा, होश में नहीं हो क्या? हमारी गुंडागर्दी खत्म करना चाहते हो? हमने नाम से जमला की सला ऐसे कांपता है और तेरी इतनी हिम्मत कि हम जैसे से बात करें? लगता है तो का अपनी जान पाई नहीं है। ओ दरोगा, आज तू हमारी हवेली पर ना होता तो इतना बोलने के बाद तो तू जिंदा ना होता। कौन सिंह? अमित सिंह। धर्म सिंह चौहान, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? तुम अपनी गुंडागर्दी प्यार से बंद नहीं करोगे? अब देखो मैं क्या करता हूं। अब तुम कानून के शिकंजे से बच नहीं पाओगे। ये मत बोलो, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। डीएसपी, ये कानून मानून हमको ना सिखाओ। हमारे मुख से जो निकल जाता है वही कानून हो जाता है। जाओ डीएसपी, जो तुम्हें करना वो करो, हम भी देखते हैं तुम क्या करते हो।